फोन कर लो। हम तो छोड़ दिए कब का, काहे छोड़े, करना चाहिए ना। तबीयत खराब हो गया था, अब तक कोई नहीं किए ना। नहीं किए तो टिंपल की बात तेरे भाभी की है। रूबी तेरे भाभी की है। सरगुन इधर आ, इधर आ। आई 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 आई। ये करवा चौथ का व्रत हर साल मनाते हैं, तो इसके बारे में जरा बताएं कि क्यों मनाया जाता है ये करवा चौथ का व्रत। हम लोग हर साल अपने पतियों के लिए मनाते हैं। इस दिन पत्नियां अपने पतियों के लिए लंबी उम्र की दुआ की कामना करती है और रात को चंद्र को अर्घ देकर व्रत तोड़ती है और पतियों के लिए अच्छा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और उनकी लंबी उम्र होए, इसीलिए करती है पतियां। जी, तो आज यहाँ पे आप लोग कर रहे हो ये वाला व्रत, तो ये कब शुरू हुआ, इसके बारे में कुछ और बता, कोई इतिहास के बारे में बता पाएंगे ये कैसे किया जाता, कब तो से शुरू हुआ? पुराना इतिहास है। सात भाइयों की एक बहन होती है जिससे ये कहानी स्टार्ट हुई है, तो उस भाई अपने भाई अपने बहन को करवा चौथ के व्रत के दिन कि मेरी बहन भूखी ना रहे, तो उस दिन वो लोग झूठ का चांद दिखा के उसका व्रत तोड़वा देते हैं। तो बस उसी से ये प्रथा स्टार्ट हुई है। तो पति अपने पतियों की लंबी दुआ की कामना करती है। तो ये मतलब ये कहाँ के लोग ज़्यादा मनाते हैं, आप बोल सकते भारत के सब जगह तो नहीं? मारवाड़ी लोग ज़्यादा मनाते हैं और मारवाड़ियों के बाद दूसरा स्थान पंजाबियों का ही आता है। पंजाबी लोग इसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं और बहुत बड़े बड़े शहरों में भी मनाया जाता है करवा चौथ का व्रत। ओके, पूर्वी भारत में मतलब ईस्ट इंडिया में मनाते हैं, यूपी के लोग, पंजाब के लोग, राजस्थान, अच्छा वहाँ भी मनाया जाता है। जी, तो आप लोग यहाँ पे चूँकि पंजाबी से हैं आप, तो आप लोग मनाते हैं हर साल, तो अपनी अपनी फीलिंग बताएंगे कैसा लगता है आप लोग जब व्रत करते हैं, उपवास भी रखते हो ना आप लोग? जी हाँ, हम लोग सुबह पहले उठ के 4 बजे सरगी खाते हैं जी, और फिर सारा दिन हम लोग फास्ट रखते हैं, पानी वगैरह कुछ भी नहीं पीना है। फिर रात को चांद की पूजा करके फिर पति के हाथ से ही पानी पीकर हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं। तो आज ही पति को के हाथ से पानी पियोगे आप? हाँ, रात को जब चांद की पूजा करेंगे तो फिर पति अपने हाथों से पानी पिला के हमारा व्रत तोड़ेंगे। फिर हम लोग चांद आप लोग देखते हो ना शायद, आप लोग इसमें पति का छलनी से चांद देखकर फिर उसमें अपने पति का चेहरा देखते हैं, फिर उसके बाद हमारा व्रत होता है। मतलब ये पति की सलामती के लिए आप लोग करते हैं? पति की सलामती के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम।